second question, d by dx of ax plus b whole raised to n into cx plus d whole raised to m. देखो शुरू करने से पहले यहाँ पे दो चीज अप्लाई होगी, मल्टीप्लीकेटिव रूल एंड सेकेंडली डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन. जैसे कि मैं दोनों में से कोई भी एक को कांस्टेंट मान लो, तो सी एक्स प्लस डी होल रेस टू एम को कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी होल रेस टू एन प्लस, अब एक्स प्लस बी होल रेस टू एन को कांस्टेंट मानो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी होल रेस टू एम. अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए सी एक्स प्लस डी होल रेस टू एम एज इट इज, इसका मैंने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, एक्स प्लस बी को एक्स मानो तो एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन एन डाउन एक्स रेस टू एन माइनस वन, वैसे बोलेंगे एक्स लिखेंगे एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने एक्स क्या माना है एक्स प्लस बी. सेम थिंग इज डन ओवर हियर, एक्स प्लस बी होल रेस टू पावर एन को कॉन्स्टेंट माना है, अब सी एक्स प्लस डी को एक्स मान लो तो एक्स रेस टू एम का डिफरेंशिएशन एम डाउन एक्स रेस टू एम माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट यू हैव सपोज, एक्स किसको माना ये वाले केस में सी एक्स प्लस डी को. सबसे पहले एन को आगे ले लो, सी एक्स प्लस डी होल रेस टू एम, हियर इज एक्स प्लस बी होल रेस टू एन माइनस वन, जैसे कि बी का डिफरेंशिएशन जीरो होगा और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, समथिंग लाइक दैट वे एक्स प्लस बी होल रेस टू पावर एन इज कॉन्स्टेंट और ये एम को आगे ले लिया, हियर इज सी एक्स प्लस डी होल रेस टू एम माइनस वन, डी इज जीरो सी एक्स इज सी. अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सो मैं टेक आउट एक्स प्लस बी होल रेस टू एन माइनस वन सी एक्स प्लस डी होल रेस टू एम माइनस वन, सो ब्रैकेट में निकल के क्या आएगा, जैसे कि एक्स प्लस बी एन माइनस वन निकल गया है, इसका एम माइनस वन पावर निकल गया है, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, मेरी बात सुनो, n into cx plus d plus यहाँ पे जो होगा वो n into a, n into ये वाला ये remaining है, तो n into a into cx plus d something like that way, c into c के साथ क्या आएगा m, तो m into c, इसमें से cx plus d whole raised to m minus 1 निकल गया है, तो remaining क्या होगा ax plus b. अब बहुत ज्यादा कुछ ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो बच्चों यहाँ पे एन ए इंटू एक्स, तो एन ए एक्स, फिर होगा एन ए इंटू डी, फिर ये जो है ए एम सी इंटू एक्स बी एम सी, फिर से एक बार यहाँ पे एन ए इंटू, यहाँ पे रिमेनिंग क्या था सी मल्टीपल में, तो एन ए सी मल्टीप्लाई बाय एक्स. अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन है तो आप लोग इन दोनों से एक्स कॉमन निकाल के कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करने की ट्राई कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने मल्टीप्लीकेटिव रूल लगा दिया है, तो सबसे पहले सी एक्स प्लस डी होल रेस टू पावर एम कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी रेस टू एन, देन एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी होल रेस टू एम, इसको एक्स मान लिया, एन डाउन x raise to n minus 1 d by dx of x that we have supposed, x plus b raise to power n constant, फिर इसको cx plus d को x मान के x raise to m, m down x raise to m minus 1 d by dx of cx plus d. Now you see d0 x is a something like that way, d0 cx is c, अब इन दोनों से मैंने कॉमन निकाला x plus b raise to n minus 1 cx plus d whole raise to m minus 1, so remaining a n, आप लोग समझ रहे हो ए एन और उसके साथ होगा ये यहां से सी, तो एन ए सी इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस एम सी राइट ए एक्स प्लस बी, तो सब कुछ मल्टीप्लाई करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा